और महमूद गजनवी का दरबार लगा हुआ था। दरबार में हजारों अफराद शरीक थे, जिनमें औलिया, कुतुब और अब्दाल भी थे। सुल्तान महमूद गजनवी ने सबको मुखातब करके कहा, कोई आदमी मुझे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की जियारत करवा सकता है? सब खामोश रहे। दरबार में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और बोला, जनाब मैं जियारत करवा सकता हूं। सुल्तान ने शराइत पूछी तो अर्ज करने लगा, मुझे 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला काटना पड़ेगा, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूं, लिहाजा मेरे घर का खर्चा आपको उठाना होगा। सुल्तान ने शर्त मंजूर कर ली। उस आदमी को चिल्ला के लिए भेज दिया गया और घर का खर्चा बादशाह के जिम्मे हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान ने उस देहाती को दरबार में हाजिर किया और पूछा तो वो कहने लगा, हुजूर कुछ वज़ाइफ उल्टे हो गए हैं, लिहाजा 6 माह मजीद लगेंगे। मजीद 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान के दरबार में उस देहाती आदमी को दोबारा पेश किया गया तो बादशाह ने पूछा, मेरे काम का क्या हुआ? यह बात सुनकर देहाती कहने लगा, बादशाह सलामत, कहां मैं गुनाहगार और कहां हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, मैंने आपसे झूठ बोला था। दरअसल मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए ऐसा करने पर मजबूर हुआ। सुल्तान ने अपने वजीर को खड़ा किया और पूछा, इस आदमी की सजा क्या है? वजीर ने कहा, जनाब इस आदमी ने बादशाह के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे। वो कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वजीर ने बिल्कुल ठीक कहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने दूसरे वजीर से पूछा, आप बताओ। उसने कहा, जनाबे वाला, इस आदमी ने बादशाह के साथ धोखा किया है, इसका गला काट दिया जाए, बल्कि इसे कुत्तों के आगे डाला जाए ताकि यह बिलक बिलक कर जलील होकर मरे और इसे मरने में कुछ वक्त तो लगे। दरबार में बैठे उस नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, ये वजीर भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। आखिर में सुल्तान ने अपने प्यारे गुलाम अयाज से पूछा, अयाज तुम क्या कहते हो? अयाज ने कहा, हुजूर आपकी बादशाही से 1 साल एक गरीब के बच्चे पलते रहे, आपके खजाने में कोई कमी नहीं आई और ना ही उसके झूठ से आपकी शान में कोई फर्क पड़ा है। अगर मेरी बात माने तो इसको माफ कर दें, क्योंकि अगर इसको कत्ल कर दिया तो इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अयाज की बात सुनकर महफिल में बैठे वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कहने लगे, अयाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान ने उस बुजुर्ग को बुलाया और पूछा, आपने हर वजीर के फैसले को दुरुस्त कहा, इसकी वजह मुझे समझाइए। वो बुजुर्ग कहने लगा, बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वजीर ने कहा कि उसका गला काटा जाए, वो वजीर जात का कसाई है और कसाई का काम ही है गले काटना। उसने अपना खानदानी रंग दिखाया, गलती उसकी नहीं, गलती आपकी है कि आपने एक कसाई को वजीर बना लिया। दूसरे नंबर पर जिसने कहा कि उसे कुत्तों के आगे डाला जाए, उस वजीर का वालद बादशाहों के कुत्ते नहलाया करता था, कुत्तों से शिकार खेलता था, उसका काम ही कुत्तों का शिकार है, तो उसने अपने खानदान का तारुफ करवाया, आपकी गलती है, ऐसे शख्स को वजारत दी। जहां ऐसे लोग वजीर होंगे वहां लोगों को कुत्तों के आगे ही डाला जाएगा। और आखिर में जो फैसला अयाज ने किया तो सुल्तान, सुनो अयाज एक सैयदजादा है, सैयद की शान है कि वो अपना सारा खानदान करबला में ज़बह करा देता है, मगर बदला लेने का कभी सोचता नहीं। सुल्तान अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और अयाज को मुखातब करते हुए बोला, अयाज तुमने आज तक मुझे नहीं बताया कि तुम सैयद हो। अयाज बोला, ए शहनशाह,
آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ میں ایک سید ہوں، لیکن اس بزرگ ہستی نے میرا راز کھول دیا، چنانچہ آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں۔ اے شہنشاہ، یہ بزرگ کوئی عام ہستی نہیں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ نہیں مانتا میں کاغذ پہ لکھا شجرا نصب، نہیں مانتا میں کاغذ پہ لکھا شجرا نصب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیشہ گھوڑا اور دوست اعلی نسل کا پالیے، کیونکہ بری نسل کا گھوڑا اور بری نسل کا دوست پالیں گے تو وہ آپ کو نقصان ہی دیں گے۔